बिसमिल्ल रन हम पढ़े हैं डेरीवेटिवज़ में एक इंपॉर्टेंट एरिया स्वैप तो स्वैब्स की हमने ब्यूटी देखी थी इट्स अ वेरी फ्लैक्सीबल उसमें लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट भी आ सकते हैं और आप इवन फॉर मेनी ईयर्स यू कैन लॉक इट अब एक पॉइंट ये आता है कि अगर आपने पाँच साल का दस साल के स्वैप में आप लॉक इन कर गए हैं एंड लेटर यू डिसाइड और योर एंटिसपेश चेंज एंड यू वॉन्ट टू टेक एन एग्जिट आउट ऑफ इट सो इज़ देर एनी पॉसिबिलिटी सो द आंसर फॉर दिस इज़ येस इसको हम कहेंगे टर्मिनेशन ऑफ स्वैप के टर्मिनेशन स्वैप कब कब हो सकती है और व्हाट आर द वेज इन विच वी कैन इंक्लूडिड तो पॉइंट इज कि हमारी एक्सपेक्टेशन चेंज हो गई है हमारी एंटिसपेशन चेंज हो गई है वी वॉन्ट टू स्ट्रक्चर इट अकॉर्डिंगली स्वैप इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज वे दे एग्री टू एक्सचेंज कैश फ्लोज ऑन डिफरेंट एसेट्स फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम वी नो कि अब एक पर्टिकुलर पीरियड की बात करें लॉन्ग टर्म में हमने एक लॉक इन कर लिया है कि वी पे दिस एंड यू पे दिस अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर वो करेंसी का भी हो सकता है इंटरेस्ट रेट का भी हो सकता है तो so, उसकी जो फिक्स फ्लोटिंग वाली बात हमने की है एक पार्टी फिक्स रहे एक पार्टी फ्लोटिंग रहे सो दैट्स डेफिनेटली तो एक नॉर्मल उनका पीरियड तो हो होगा ना कि डेट से फाइव ईयर्स हैं टेन ईयर्स हैं वो तो एक नॉर्मल कोर्स में कंक्लूड है बट वट इफ़ वी डिसाइड टू क्वेट आउट ऑफ इट एंड अर्ली वट आर द वेज इन दैट पार्टी इन्वॉल्व ट्रांजेक्शन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर एक्सपायरी मेच्योर हो गया फिर तो तर, फिर तो जरूरत नहीं है अब ये बात हो रही है बिफोर एक्सपायरी अगर हम करना चाह रहे हैं तो देन वट आर द वेज फर्स्ट इज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट और एज पर कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स कि दो पार्टीज जिन्होंने स्वैप किया है वो आपस में एग्री कर लें कि हम लोग लेट्स क्लोज इट या उन्होंने जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ उसी में लिखा होगा कि इस तरीके से अर्ली क्लोज पॉसिबल है वो दोनों की इसमें विलिंगनेस शामिल होगी एंड डेफिनेटली क्योंकि जब स्वैप बिगिनिंग में साइन होता है तब दोनों के लिए वो जीरो वैल्यू होता है बट एज द टाइम चेंज उसकी वैल्यूएशन चेंज होगी या इंटरेस्ट रेट का स्वैप है तो किसी की फेवर में हो गया किसी के अगेंस्ट सो इट हैज़ टू बी डिसाइडेड ऑन द मार्केट वैल्यू कि वट आर द मार्केट वैल्यू एट दैट टाइम उसके अकॉर्डिंगली ये आपस में म्यूचुअली सेटल कर सकते हैं तो वो आपस में उनका एग्री होना जरूरी है मार्केट वैल्यू जो होगी उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट करनी जरूरी होगी एंड देन इट वुड बी क्लोज सो दिस इज़ वन वे ऑफ क्लोजिंग फॉर एग्जाम्पल अगर वो टू एबल टू सेटल एट स्वैप इन वे आई बोथ पार्टी शुड एग्री और या इसके स्वैप के एग्रीमेंट में भी प्रोविजन होनी चाहिए कि ये हमारे पास एग्री है एक पार्टी ये चाहेगी तो ये क्लोज करेगी और टर्म्स उसके पहले प्री डिसाइड हों तो उसके अकॉर्डिंगली ये सेटल हो सकता है इफ दैट सिचुएशन डजेंट वर्क या यू डोंट वॉन्ट टू बी इन दैट वेज या दूसरी पार्टी विलिंग नहीं है तो फिर क्या होगा देन अनदर ऑप्शन इज बाय एंट्रिंग इनटू अ ऑफ सेटिंग स्वैप ऑफ सेटिंग स्वैप का मतलब क्या है जैसे मैंने एक स्वैप किया था कि आई एल पे फिक्स एंड यू पे मी फ्लोटिंग तो अब मेरा एक्सपोजर तो फिक्स का हो गया कि मुझे फिक्स पेमेंट करनी है और मुझे मिलेगा क्या फ्लोटिंग रेट का तो आई नाउ आई वॉन्ट टू हैव अ डिफरेंट वर्जन तो मैं अब पे फिक्स की बजाय क्या करूँ किसी और थर्ड पार्टी से रिसीव uh, फिक्स का स्वाप कर दूँ कि आई पे फ्लोटिंग एंड यू पे मी फिक्स तो ये क्या हुआ बेसिकली ऑफ सेट कर दिया पहले एक जगह में फिक्स पे कर रहा था एक जगह से मुझे फिक्स रिसीव हो गया तो ये वर्चुअली आपको उस नहीं ये खत्म कर दिया स्वैप लेकिन इतने क्लैरिटी से भी खत्म नहीं हुआ क्योंकि काउंटर पार्टी रिस्क स्टिल इसमें रहा इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं लेट से वी हैव अ स्वैप कॉन्ट्रैक्ट वी पे फिक्स फाइव परसेंट एंड रिसीव फ्लोटिंग लाइबोर तो हम फिक्स फाइव कर रहे हैं दूसरी पार्टी हमें फ्लोटिंग रेट दे रही है तो फिक्स रेट इज नाउ कॉन्ट्रैक्ट विल बी डिसाइड बेस्ड ऑन करंट मार्केट वैल्यू बट द फ्लोटिंग विल बी ऑफ सेट हा एवर दिस मैथड विल नॉट एलिमिनेट द डिफॉल्ट रिस्क ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक जगह मैं फिक्स दे रहा हूँ एक जगह से फिक्स मुझे मिल रहा है वो ऑफ सेटिंग तो हो गई लेकिन अगर वो दूसरी पार्टी मुझे पैसे नहीं देती तो फिर भी मैंने इस पार्टी को तो पेमेंट करनी ही करनी यानी कि अगर वो दूसरी पार्टी डिफॉल्ट कर जाती है तो आई हैव टू बेयर विद द रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट विद टू पार्टीज तो वो एक डिफॉल्ट का एलिमेंट थोड़ा सा रहेगा लेकिन मेजर एक्सपोजर जो है वो इससे सेटल हो गए तो दो मेथड हो गए एक उसी पार्टी से एग्री कर लें दूसरा हो गया ऑफ सेटिंग कॉन्ट्रैक्ट कर लें तीसरी चीज़ है बाय सेलिंग द स्वाब क्योंकि स्वैप भी एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है और उसका एक फ्यूचर बेनिफिट्स उस पर नज़र आ रहे हैं आपने एक अच्छा स्वैप किया हुआ है विच इज़ बेनिफिशियल तो ये एक मार्केटेबल प्रोडक्ट भी हो सकती है तो आप कोई ऐसी पार्टी ढूंढ लें जो कि इस स्वैप को ख़रीदने में इंटरेस्टेड हो तो आप कहें जी अच्छा माने हमने ये पाँच साल का स्वैप किया था दो साल गुजर गए हैं एंड वी वांट टू टेक एग्जिट आउट ऑफ इट तो आप ये हमारे से ये प्रोडक्ट खरीद लें तो जो रिमेनिंग थ्री ईयर्स का जो टर्म है वो फिर पार्टी बी और ए के हमारे दरमियान था अब वो पार्टी बी और पार्टी सी के दरमियान हो जाएगा एंड वी टेक एन एग्जिट तो अगर कोई मार्केट वैल्यू होगी तो हमें मिल जाएगी कुछ पे करना होगा तो हम पे करके निकल सकते दिस इज़ अ थर्ड वे ऑफ टर्मिनेटिंग बिफोर एक्सपायरी इन फैक्ट स्वैप इज सोल्ड फॉर हंड्रेड्रेड थाउजेंड जैसे अगर हमने पिछली बात की मैं पीछे स्लाइड में वापस जा रहा हूँ कि जहाँ पे इफ एन अदर पार्टी वॉन्ट टू एक्जिट द स्वैप कॉन्ट्रैक्ट एंड स्वैप इज़ वर्थ हंड्रेड थाउजेंड एक हंड्रेड थाउजेंड किस वक्त मार्केट वैल्यू जैसे मैंने आपको पहले बताया था तो वो क्या करेंगे हम स्वैप को दे देंगे और एक लाख की पेमेंट ले लेंगे अगर हमारे पास पेबल होगा तो हम फिर पेबल के स्ट्रक्चर में भी ये मूवमेंट हो सकती है तो मार्केट वैल्यू पे ये ट्रांजेक्शन सेल आउट हो सकती है देन अनदर ऑप्शन इज विच इज अ लिटिल मोर एडवांस दैट इज बाइंग अ स्वेप्शन स्वैप्शन ये वर्ड थोड़ा सा एक नया वर्ड आया है स्वैप से ये है हम लोगों का एक और टॉपिक है ऑप्शंस ऑप्शन और स्वैप जब इकट्ठे करते हैं उसको हम कहते हैं स्वैप्शन इसमें बेसिकली स्वैप में तो हम एक एंटर किया लॉक करके इसमें हम कह रहे हैं कि एक ऑप्शन मिल रही है कि हम दो महीने बाद तीन महीने बाद एक स्वैप में एंटर हो सकते हैं तो स्वैप्शन इज़ अनदर वे ऑफ एग्जिटिंग एन एग्जिस्टिंग स्वैप कि आप पेमेंट फिक्स में गए हुए हैं तो आप एक स्वैप्शन ले लें ऑफ रिसीविंग फिक्स तो अगर आपका दिल करे तो आप तीन महीने बाद उसको एक्सरसाइज करके अपने आप को उस ट्रांजेक्शन से एक्सक्लूड कर सकते हैं यानी कि अपना ऑफ सेटिंग स्वैप आप वहां से ले सकते हैं सो दिस इज अ स्वैप्शन स्वैप्शन प्रोवाइड ऑप्शन होल्डर्स द ऑप्शन टू एंटर इन टू अवैप कि आपके पास ये चॉइस होती है कि आप तीन महीने बाद छह महीने बाद एक साल बाद स्वैप में एंटर हों स्वैप में हम फर्स्ट डे से ही एंटर हो गए हैं। स्वैप्शन में एक राइट right मिल गया कि हम छह महीने बाद या साल महीने बाद उस स्वैप में जा सकते हैं तो अगर आपको डर लग रहा है कहीं इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा ना बढ़ जाएं और आप उस रिस्क को ख़त्म करना चाह रहे हैं ऐसे अभी आपने स्वैप कर लिया है आप फ्लोटिंग पे चले गए हैं तो फिर आप साल बाद की स्वैपशन के साथ अपने उसको क्लोज कर सकते दीज आर द फोर वेज इन विच यू कैन एक्सक्लूड योर फ्रॉम अ स्वैप बिफोर इट्स एक्सपायरी ठीक हो थैंक यू